तो हेलो गाइस, मैं हूं आयुष। आप देख रहे हैं प्राइमफुल गेमर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के गेम के बारे में। तो इस वीडियो में बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी के कैसे स्लाइड करते हैं गेम में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैसे गेम में स्लाइड करते हैं और कैसे एनिमी को किल करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सब करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हैं तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें। ज़्यादा नहीं, 4 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ 4 मिनट का सपोर्ट दिखाएँ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक दे दे और छोटा सा एक कमेंट कर दे कि क्या अगली वीडियो, किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे अपनी अगली वीडियो ला दे। और वीडियो में आप बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज ही मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो चलिए गाइज, हम बता देते हैं कि आपको स्लाइड कैसे करना है। तो पहले इसके लिए हम आपको 2-4 क्लिप दिखाएंगे और क्लिप देख के आपको समझाएंगे कि आपको स्लाइड कैसे करना है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। तो इस ज़्यादा हार्ड नहीं है ये स्लाइड करना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, समझ जाएंगे आप लोग वीडियो को। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने गेम के पास। तो चलिए आप लोग को पहले अपने पार्टनर का एक क्लिप दिखा देते हैं कि वो कैसे स्लाइड किया है, फिर हम करेंगे स्लाइड, फिर आपको बता देंगे कि वो स्लाइड होता कैसे है वीडियो के एंड तक। तो आपने देखा होगा कि स्लाइड अपने मेरे पार्टनर का। तो चलिए हम अगला स्लाइड भी उसका दिखा देते हैं। तो चलिए ऐसे करते स्लाइड है जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो चलिए एक और क्लिप दिखा देते हैं और देखिए ये मेरा पार्टनर ऐसे आता है और सिंपली कुछ नहीं आके स्लाइड कर देता है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करिए, हम आपको चलिए हम बता देते हैं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं ये सब कैसे करना है। तो पहले देख लीजिए मैंने कैसे स्लाइड किया, अब चलिए मैं बता देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो सर्कल वाला बटन है उसे आप लोग कर्जर कहते होंगे, तो आप लोग कर्जर को आगे की साइड मूव करिए और ये जो सीट वाला बटन होता है सीट वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, तो आप सिंपली स्लाइड होने लगेंगे। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म नहीं होती, आप थोड़ा सा सुन लीजिए और इसको सुन लेते हैं लास्ट तक, तो आप और अच्छे से स्लाइड कर पाएंगे ताकि एनिमी आपको किल ना कर पाए। अगर आप कहीं छुपे हैं तो आप अचानक से स्लाइड करके आप एनिमी के सामने आते हैं तो आप एनिमी को ज़्यादा डैमेज देंगे, एनिमी आपको कम डैमेज दे पाएगा और आप एनिमी को सिंपली किल कर पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक की, तो कैसे क्या क्या करने, किस सिचुएशन पे करना चाहिए स्लाइड और कैसे अच्छे से स्लाइड होगा। तो ये सिंपली था कि कैसे होता है, लेकिन अभी आपको अच्छे से स्लाइड करना है। तो चलिए हम वीडियो में बने रहिए और हम तो चलिए गाइस मैं एक छोटा सा आपको क्लिप फिर से दिखा देता हूँ कैसे स्लाइड करना है। तो चलिए आप लोग स्लाइड करना सीख जाइए इस वीडियो के एंड तक। तो मैं एक और बार स्लाइड करके आप लोग को जरूर दिखा देता हूँ और आप लोग सिंपली समझ जाएंगे कैसे स्लाइड करना। तो देखिए मैं पीछे आता हूँ और ये मान लीजिए एनिमी है मेरा पार्टनर, तो मैं इसके सामने ऐसे स्लाइड मारता हूँ, किसी बॉक्स के पीछे छिप के अचानक से निकल के आके स्लाइड मार देता हूँ और उसे पता नहीं चलेगा, झटके से वो समझ नहीं पाएगा। चलिए इसको हम स्लो मोशन में आपको दिखा देते हैं कि कैसे स्लाइड मारते हो। तो देखिए ऐसे तो सिंपली हम स्लो मोशन में नहीं है, तो हम इसको स्लो मोशन में कर देते हैं और आप देख लीजिए कि कैसे स्लाइड मारते हैं। तो देखिए गाइस मैं इसको स्लो मोशन में कर दिया हूँ, तो आप देखिए कैसे स्लाइड मारते हैं और मैं इसको स्लो मोशन में सेट कर देता हूँ। तो चलिए स्लो मोशन सेट हो गया है, तो हम यहाँ पर देखिए कैसे स्लाइड मारेंगे और यहाँ पर देखिए कैसे स्लाइड मारा हमने। और आप एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4 मिनट की, आप लोग यहाँ तक देख लिए तो 15 मिनट की, सॉरी 15 सेकेंड की और वीडियो बची है, तो देख लीजिए आपको परफेक्टली आ जाएगा। तो चलिए तो गाइस उम्मीद है आपने सीख लिया होगा, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगला किस टॉपिक वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।